पत्थर मारकर 12 वर्षीय बालिका का कंधा तोड़ने वाली दो महिलाओं को एक एक वर्ष का सश्रम कारावास। नमस्कार, मैं हूं रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं एमपी 7 न्यूज। आप एमपी 7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मनासा की विशेष बड़ी खबर। जी हां, धर्म कुमार न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मनासा द्वारा फसल खराब करने की बात को लेकर 12 वर्षीय बालिका के साथ पत्थरों से मारपीट कर उसका कंधा तोड़ने वाली दो आरोपियां लीलाबाई पति सूरजमल बंजारा उम्र 50 वर्ष, शांतिबाई पति कनीराम बंजारा उम्र 52 वर्ष, दोनों निवासी गण ग्राम दातोली बोरखेड़ा थाना मनासा जिला नीमच को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 325/34 के अंतर्गत एक एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दंडित किया। योगेश कुमार तिवारी एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 9 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 19/2/2012 को दिन के लगभग 4 बजे आहत पूजा के ग्राम दातोली बोरखेड़ा स्थित खेत की है। आहत 12 वर्षीय पूजा घटना दिनांक को उसके खेत पर थी। तभी आरोपियां शांतिबाई व लीलाबाई बकरियां चरा रही थी तो पूजा ने दोनों आरोपियां से कहा कि तुम हमारे खेत में बकरियां मत चराया करो, फसल को नुकसान होता है। इसी बात को लेकर दोनों आरोपियां ने विवाद करते हुए पत्थरों से पूजा के साथ मारपीट करी, जिस कारण पूजा के कंधे की हड्डी टूट गई। पूजा के चिल्ला चोट की आवाज सुनकर आसपास के खेत वाले आ गए, जिस कारण दोनों आरोपियां वहां से चली गई। बाद में पूजा के परिजनों ने दोनों आरोपियां के विरुद्ध पुलिस थाना मनासा में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई, जिस पर से अपराध क्रमांक 59/12 धारा 325/34 भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आहत का मेडिकल कराकर शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में आहत पूजा के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपिया द्वारा पत्थर से पूजा के साथ मारपीट कर उसे गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध को प्रमाणित कराकर दोनों आरोपिया को कठोर दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों आरोपिया को धारा 325/34 भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत एक एक वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500 रुपए जुर्माने से दंडित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी योगेश कुमार तिवारी एडीपीओ द्वारा की गई। मनासा क्षेत्र की खबरों की जानकारी के लिए लॉगिन करें www.mp7news.in पर। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।